हम चैनल चलाते हैं द स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ समझ रहे हैं ना, द स्टूडेंट लाइफ। अब ये माइक है, बार बार से चेक करने की आदत पड़ गई है। IIT BHU में आप आए हैं, अभी 2022 बैच है ना पहला। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? अच्छा, आई एम नॉट परफेक्ट इन हिंदी, आई एम लिटिल बिट स्लो इन इंग्लिश, बट वी कैन टॉक। ओके, व्हाट्स योर नेम? पवन चंद्र यादव। वेयर आर यू फ्रॉम पवन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। व्हाई यू चोज IIT BHU rather than other IITs? Due to its culture and tradition and nature. Culture and tradition. It's good here. There. Can you go in detail what's good in IIT BHU? I mainly choose it for the nature itself. I like the nature. Nature. And what about branches and all branches, education? I am interested in ECE, that's why I choose ECE. Okay. Rank? Rank 4700 open. Open rank. Mm. All India rank. 4000. What's your branch? EC, electronics. Electronics. मतलब you decided to choose electronic? पहले inter first year sir. Okay. थोड़ी थोड़ी हिंदी तो आनी चाहिए ना। आपको हिंदी आती कि नहीं? No. You don't. Where are you from? I am from Andhra Pradesh. From where in Andhra? Srikakulam district. Anything special about that? What sir? Anything special about your district? Nothing much, sir. Nothing. Now you can tell us the differences temple which you are seeing here. Sun, Lord Sun Temple. Ujjain. No. Andhra. Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. What's your branch, by the way? Electronics, sir. आप लोगों ने कोचिंग की थी कहीं से? हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सर। फ्रॉम वेयर? वाइजाग, आंध्र प्रदेश। प्राइवेट कोचिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश। सो व्हाट अबाउट PW? टेल मी समथिंग अबाउट PW, कभी पढ़ा उससे? फिजिक्स वाला। आई डोंट नो सर। यू आप लोग कहाँ से भैया? हिंदी आती है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। आइए इधर आइए, सामने आइए, इधर इधर हम लोग आ जाते हैं। साइड में चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, साइड नहीं, सब हम। दरअसल क्या है ना कि इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बहुत स्लो है मेरा, ठीक है, तो इंग्लिश में बातें करनी पड़ रही थी, तो हम थोड़ा सा कम डाटा निकाल पा रहे थे। क्या नाम है आपका वैसे? मैडम कक्षिल। कहाँ से हैं आप? मैं सहारनपुर यूपी से, वेस्ट साइड से। वाह यार, तब तो हिंदी बढ़िया समझ में। अच्छी आती है हिंदी। IIT BHU क्यों लिया? बेस्ट ब्रांच मिल रही थी। ब्रांच मतलब अपने उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा पढ़ने का मन था। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का मन था। तो कितना रैंक आया वैसे? रैंक तो बस अब छोड़ दो, रैंक का क्या है। रैंक कोई रैंक नहीं बता रहा है, कई लोगों का 9000, कई लोगों का 14000। इसमें है, इसी रेंज में है। तो क्या ये टॉप रैंकर्स यहाँ IIT BHU में नहीं आते हैं? नहीं, CS वाले आते हैं। मतलब जनरली किस रैंक तक होता है एडमिशन BHU में लड़कों? यहाँ पे सबसे लास्ट तक खुलता है। यहाँ पे सबसे लास्ट तक खुलता है, मतलब ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, फार्मास्यूटिकल्स तक जाता है, तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, कोचिंग कहाँ, कहीं से कोचिंग किया था? लोकल कोचिंग करी थी अपने डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में ही। लोकल कोचिंग को कौन सा, ऐसा कोई मतलब फेमस नहीं कोचिंग है? टीचर्स अच्छे हैं, बेस्ट टीचर्स हैं कोचिंग में। आजकल सस्ती कोचिंग खुल गई है, PW और ये सब, तो ये मतलब इस पे क्या ये बेनिफिशियल है, स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं? बेनिफिशियल है। PW से तो मैंने यूट्यूब से और वैसे बहुत पढ़ा है, पर वही था विद्यापीठ जो अभी खुला उनका, उसमें मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन उनसे ऑनलाइन कोर्स मैंने बहुत ज्वाइन किए थे। बल्कि उनकी तो पुरानी वीडियोस अभी तक काम आती है बच्चों के। अच्छा। वो ज्यादा काम आती है। हाँ। पुरानी वीडियो यूट्यूब वाली। तो क्या नई वीडियोस की क्वालिटी घट गई उनके? नहीं, क्वालिटी नहीं घटी है, पर बहुत सारे नए टीचर्स आ रहे हैं, तो उनसे पढ़ने का ज्यादा वो नहीं लगता, दिलचस्पी नहीं आती है। जो अलग पांडे सर पढ़ाते थे वो वही पढ़ाते थे। ओल्ड इज गोल्ड, मतलब इज गोल्ड। अलग पांडे मास्टर पीस थे। और दूसरी चीज ये ना, अभी मतलब है मास्टर पीस, तो क्या ये जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, क्या मार्केटिंग अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है इनका? अब थोड़ा उन्होंने बहुत ज्यादा वो कर दिया आइडिया चीजें, मतलब बहुत मिक्स हो गई, मतलब कुछ मिक्स हो रहा है, तो वैसे अब ढूंढने में भी काफी टाइम लगता है उनके लेक्चर्स वगैरह। तो रिसेंटली एक अमन नजरवाल जी सर का एक वीडियो भी आया था, हाँ, कि यही कि वो उनके फिजिक्स वाला उनके टीचरों को खरीद रहे हैं, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है। ऐसे तो और भी चैनल्स ने कई सारे वीडियोस अपलोड किए। पहले फिजिक्स वाला के टीचर्स को अनअकैडमिक वाले छटकाते थे, अब फिजिक्स वाला अमन धतरवाल और कोचिंग में भी चलता ही रहता है। लोकल कोचिंग में चलता रहता है। हॉस्टल हॉस्टल मिला, कितना फीस लगा वैसे? फीस हॉस्टल की 12,000 तो मैथ्स की थी, हॉस्टल फीस तो नहीं थी शायद। हॉस्टल फीस अभी तक हॉस्टल फीस नहीं दी है, लेकिन अकेडमिक फीस दी है 1,21,000। सबका लगभग इतना ही लग रहा है, मतलब जो फी एडमिशन होता है 5 लाख से कम रहेगा, फीस यहां पे होती रहती, कम हो जाती है अगर वैसे करवाएं तो। लेकिन हम लोग का उसमें कुछ नहीं है, हम लोग का एडमिशन वाले को तो नहीं होंगे रिस्क वाले। अच्छा, अगर हम अगर बात करें कि इंडिया में और भी बेस्ट IITs किसको हम चुनना चाहिए, IIT BHU से बढ़िया कौन सा है? सबको पता है बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, ये सब, कानपुर,
बहुत ऊपर रखेंगे बीएचयू से बहुत ऊपर कानपुर। चलिए अभी तो हमने स्टार्ट किया, आज दिन का पहला वीडियो है। और साथ क्या नाम है आपका? प्रिंस कटियार। अभी बिहार से हैं? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज बगल में है। इलाहाबाद। कहाँ पे हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज में मैं हूँ। तेलियरगंज वगैरह जानते हैं आप? अरे शांतिपुरम। अरे शांतिपुरम में गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं, जो शांतिपुरम में ही है। और सीआरपीएफ क्या हम जानते हैं आप? अजयराज। अजयराज, हाँ, दो चार लड़के हैं सीआरपीएफ कैंप के। अच्छा, नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सीआरपीएफ कैंप में कैंप पे रहते थे। तो आप भी कहीं रहते, वहीं कहीं रहते हैं? शांतिपुरम सेक्टर ए। मतलब आज का वीडियो स्टार्ट किया, चैनल बहुत पहले से 1.5 साल से स्टार्ट है। आपको मैंने देखा है? देखा है, लेकिन चैनल का नाम याद है सबको, सब लोगों ने देखा है, लेकिन कोई मतलब बता नहीं रहा है पहले। ठीक है, हम कल आप लोगों के फ्रेशर्स का इंटरव्यू लिए तो उन लोगों ने बोला कि उन लोगों ने भी देखा है, लेकिन लास्ट में बताया। और आप लोग नाम नहीं पता था, बस देखे थे? हाँ, बस देखा। जब बीएचयू के बोझ में थे, जब सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, तो आपका भी आ जाता है सर। आ जाता है। चलिए धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा यार, फिर मिलेंगे। अच्छा, ये